हेलो बॉस, तो कैसे हो आप? दिस इज बच्चे कोडर ऑफ टुडे। तो बॉस, कभी कभार आपको एमएस वर्ड में ऐसी कुछ तरह की शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, ऐसी बहुत सारी आपको बनानी पड़ सकती हैं, कुछ मतलब रिक्टेंगल चीज जिन पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको उनको अरेंज करना नहीं आता। तो आप उनको ऐसे अरेंज करते हैं जैसे कि अगर आप इन चारों शेपों को एक लाइन में लेकर आना हो, या इनके दरमियान जो स्पेस है उसको इक्वल डिवाइड करना, तो वो आप बारी बारी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आपको बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये आपको इंतहाई आसानी के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबाएं, इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबाएं, इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस किए रखें और इसको भी सिलेक्ट करें, और उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएं। फॉर्मेट में जाते ही यहाँ पर आपको अलाइन दिखाई देगा। अलाइन जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर अलाइन, अगर आप मिडल पर करना चाहते हैं तो अलाइन राइट पर करना चाहते हैं तो मैं अलाइन राइट में करता हूँ। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर दोबारा आपने अलाइन जाना है। और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, यानी कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें इक्वल डिवाइड होगी। लेकिन अगर आप इनको मूव करना चाहते हैं तो वो एक एक करके मूव करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने जाना है, और सॉरी यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको इसको आप ग्रुप करना है। अब वो ग्रुप कैसे कर सकते हैं वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। मतलब ग्रुप करने के साथ ये होगा कि आपकी ये तमाम चीज़ें हैं वो मतलब इकट्ठी जो छी इकट्ठी हैं वहीं इकट्ठी सिलेक्ट होंगी और इकट्ठी जो है वो मूव हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप, यहाँ पर इसको ग्रुप कर देंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इसको इकट्ठी मूव कर सकते हैं वो भी एक साथ। यहाँ पर मैं इसको इसके दरमियान जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर इसमें जो टेक्स्ट है मतलब इसमें जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और या मैं इसके टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बिग करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा। यहाँ पर ये एक का हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें मुझे अगर आपने इसको ग्रुप इसको दोबारा यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट किए रखें। अगर आप इन सारों का इकट्ठा फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, सॉरी मैं इनको अनग्रुप कर देता हूँ। ये अनग्रुप यहाँ से फॉर्मेट में गया, अनग्रुप भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर दोबारा ये चीज़ें सिलेक्ट हैं, और यहाँ पर आप टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा आपको इसको ग्रुप कर दें ताकि आप इकट्ठी इनको मूव कर सकें। तो यहाँ पर ये कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इमेज ड्रा करनी पड़ जाती है, जैसे कि ये इमेज है और ये इमेज मैंने इन फ्रंट ऑफ लिख की हुई है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही करता हूँ तो ये बल्कि बैकवर्ड मैंने की हुई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें इस शेप के अंदर आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन इस शेप को मैं अभी कर देता हूँ, इसका जो शेप फिल है वो नो फिल पे कर देता हूँ, और ये तमाम चीज़ें मेरी इमेज के अंदर आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप इमेज को अपने तरीके से मैक्सिमाइज मिनिमाइज जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये अब अच्छा लग रहा है डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की शाइनिंग को बढ़ा सकते हैं इन शेप्स को इस्तेमाल करके, इन शेप्स को मैनेज करके। तो आई होप आपको ये छमाल सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।